दोस्तों, मोबाइल पर कैसे टेलीग्राम यूज़ करना है आप सभी को ज़रूर पता है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया। अगर आपको पता नहीं है तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा इसका लिंक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेलीग्राम कंप्यूटर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप वेब कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं। कोई भी ब्राउज़र के ऊपर हम जाते हैं और यूआरएल में सर्च करते हैं web.whatsapp.com और क्यूआर कोड को स्कैन करके हम व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हैं। बट टेलीग्राम में ऐसा व्हाट्सएप वेब यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक प्रोसेस है जो हम टेलीग्राम exe फाइल को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर देके लॉगिन करके कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते रहिए, मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टेलीग्राम अपने कंप्यूटर पर आप यूज कर सकते हैं और कुछ भी पोस्ट भी कर सकते हैं, कुछ वीडियो ऑडियो या फिर कोई भी डेटा आप सेंड कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा, देन इंस्टॉल करेंगे। तो यहां पे गूगल में सर्च करेंगे टेलीग्राम फॉर पीसी और यहां पे सर्च करेंगे और यहां पे आपको जो साइट मिलेगा desktop.telegram.org, यहां पे ओपन करेंगे टेलीग्राम डेस्कटॉप और यहां पे देख सकते हैं गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज, तो यहां पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 24 MB के आसपास है टेलीग्राम का जो exe फाइल कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट होने तक हम वेट करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम करेंगे exe फाइल को रन। तो यहाँ पे रन करने के लिए बस डबल क्लिक किया exe फाइल के ऊपर और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे लैंग्वेज सिलेक्ट करके। यहाँ पे ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बाई डिफ़ॉल्ट जैसे है वैसे रहने देते हैं और करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है टेलीग्राम डेस्कटॉप, डू नॉट क्रिएट ए स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, तो यहाँ पे जैसे है बाई डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट, यानी कि डेस्कटॉप पर एक टेलीग्राम का शॉर्टकट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे टिक रहने देते हैं और करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे फाइनली करेंगे इंस्टॉल। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीग्राम इंस्टॉल कंप्लीट हो गए और यहाँ पे करेंगे फिनिश और फिनिश होने के बाद ऑटोमेटिकली एक बार ओपन हो जाएगा टेलीग्राम। और टेलीग्राम ओपन होने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है टेलीग्राम डेस्कटॉप, वेलकम टू द ऑफिशियल टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप, इट्स फर्स्ट एंड सिक्योर, यहाँ पे करेंगे स्टार्ट मैसेजिंग। और यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट करना है, जो भी कंट्री है, तो मेरे केस में इंडिया है, इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, आप जिस मोबाइल नंबर यूज़ करके टेलीग्राम लॉगिन करना चाहते हो, या फिर आप कर सकते हैं क्विक लॉगिन यूजिंग क्यूआर कोड, यानी कि अगर आपके मोबाइल पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम ऐप पर जाके सेटिंग्स पर जाके डिवाइस में जाना है और यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो कैसे करना है वो दिखा देता हूँ, सबसे पहले हम मोबाइल देके देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद करना है नेक्स्ट। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे देख सकते हैं वी हैव सेंड एन एक्टिवेशन कोड टू योर फोन, प्लीज़ एंटर इट बिलो, यानी कि आपका मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। तो यहाँ पे इस कोड को डालना है, तो हम कोड को डाल देते हैं और कोड डालने के बाद ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करके बहुत कुछ आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नाइट मोड भी कर सकते हो आप। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है कंप्यूटर के ऊपर नाइट मोड हो गया। यहाँ पे सेटिंग्स पर जाके काफ़ी सारी चेंजेस आप कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो, लैंग्वेज एडवांस सेटिंग है, चैट सेटिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, नोटिफिकेशंस, एडिट प्रोफाइल और भी काफ़ी सारी यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल है। तो कैसे आपको दिखा दिया मोबाइल नंबर देके कैसे लॉगिन करना है, अब आपको दिखाऊंगा क्यूआर कोड यूज करके कैसे आप लॉगिन कर सकते हो। सो क्यूआर कोड की मदद से लॉगिन करने के लिए फिर से हम करेंगे स्टार्ट मैसेजिंग, देन जाना है नीचे की तरफ क्विक लॉग इन यूजिंग क्यूआर कोड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैन फ्रॉम मोबाइल टेलीग्राम, ओपन टेलीग्राम ऑन योर फोन, गो टू सेटिंग्स डिवाइस एंड स्कैन क्यूआर। तो हम अब चलेंगे मोबाइल के ऊपर और यहाँ पे 3 लाइन में क्लिक करना है टेलीग्राम ओपन करने के बाद। यहाँ पे नीचे की तरफ सेटिंग्स पर आना है, इसके बाद जाएंगे डिवाइस के ऊपर, देख सकते हैं फोल्डर्स के नीचे है डिवाइसेस और यहाँ पे हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। और दोस्तों आपने देख लिया क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही लॉगिन हो गया कंप्यूटर के ऊपर। तो गाइस आपको दिखा दिया मोबाइल नंबर देके कैसे लॉगिन करना है या फिर क्यूआर कोड देके भी आप लॉगिन कर सकते हो, तो दोनों प्रोसेस आपको दिखा दिया। सो दोस्तों आपने देख लिया टेलीग्राम को अपने कंप्यूटर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।